गुड मॉर्निंग किन्हें, आज हम सर दादी की रेडियो कहानी पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे रेडियो किसे कहते हैं। रेडियो तो सबने देखा ही होगा, वो क्या करता है। रेडियो से हमें सब तरह की जानकारी मिलती है। तो इस कहानी में भी रोहित नाम का एक बच्चा है जो अपनी दादी को सारी जानकारी देता है। वो स्कूल जाता है, मोहल्ले में खेलने जाता है, रेडियो टेलीविजन जहाँ भी जाता है, जो कुछ भी सुनता है, वो अपनी सारी बातों को दादी के साथ शेयर करता है। इसीलिए सब उसे दादी की रेडियो कहते हैं। इसी पर ये कहानी है। तो चलिए कहानी देखते हैं। रोहित माता पिता के साथ चंडीगढ़ में रहता था। घर में उसकी बड़ी बहन और दादी भी थी। बूढ़ी होने के कारण दादी कहीं आ जा नहीं पाती थी। रोहित को अपनी दादी से बहुत प्यार था। दादी उसी तरह तरह की कहानियां सुनाती थी। रोहित दादी को अपनी स्कूल और मोहल्ले की बातें बताता था। वह दादी को रेडियो और टेलीविजन पर सुनी खबरें भी बताता था। इसलिए सब उसे दादी का रेडियो कहते थे। रोहित को छोड़कर घर में कोई भी दादी का कहना नहीं सुनता था। दादी कभी किसी से कुछ नहीं कहती थी। रोहित को दादी की इस दशा पर बहुत दुख होता था, क्योंकि दादी ओल्ड एज की थी, वो कहीं आ जा नहीं सकती थी, और वो किसी से कुछ कहती थी तो कोई फैमिली मेंबर उसकी बातों को सुनता नहीं था। यह सब देखकर रोहित को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन रोहित तो था छोटा बच्चा, वो कुछ कर नहीं सकता था, बस वो दुखी होके रह जाता था। दादी अपना दुख किसी को नहीं बताती थी, लेकिन रोहित उसका चेहरा देखकर भाव जाता था कि आज दादी दुखी है। उसकी बहन उसे दादी का चमचा कहकर चिढ़ाती थी, जैसे आप लोग भी अपने भाई बहन में चिढ़ाते हो ना एक दूसरे को, वैसे ही उसकी एक बड़ी बहन थी जो उसको जा चुकी, वो दादी का बहुत विशेष ध्यान रखता था, दादी के आगे पीछे घूमता रहता था, इसलिए उसे वो दादी का चमचा कहकर चिढ़ाया करती थी। रोहित भावुक होने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा था। वह कक्षा में हमेशा प्रथम आता था। पढ़ाई के साथ साथ वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भी हमेशा टॉप रहता था, हमेशा बताता था। एक बार परीक्षा में उसके अच्छे अंक नहीं आए, उसके पिता ने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि रोहित के कम अंक आने के लिए दादी को जिम्मेदार ठहराया। दादी चुपचाप कमरे में चली गई। उसे इस बात से बहुत दुख हुआ। जब रोहित को परीक्षा में कम अंक आया तो रोहित के पिता ने रोहित को कुछ भी नहीं कहा, उसने दादी को बोला कि आपके लाल प्यार ने इसे बिगाड़ रखा है, जिसके कारण इसको परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आए और क्लास में प्रथम नहीं आया। अब ये सुनकर दादी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उस बेचारी का तो उसमें कोई दोस्त था ही नहीं। वो उनके पिता अपने बेटे के मतलब रोहित के पिता के खरी खोटी सुनकर चुपचाप वो कमरे में चली गई, और रोहित खड़ा वहाँ सब कुछ देख रहा था। रोहित को भी अपने पिता का व्यवहार दादी के प्रति अच्छा नहीं लगा, और चुपचाप अपने कमरे में जाकर लाइट बंद किया और बिस्तर पर पड़ के जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसके मम्मी पापा घबरा गए और वो उसके कमरे में दौड़ के आए। तो उन्होंने जब लाइट ऑन किया तो देखे कि रोहित तकिए में मुंह गड़ा के चुपचाप सुबक रहा है, और जैसे ही वो अपने मम्मी पापा को सामने देखा तो पास में पड़ी हुई कॉपी है उसको कस के लिपटा लिया। उसके पापा उसकी कॉपी को जो अपने पास दबाया हुआ था उसको लिए। ये क्या बात है, ऐसे कॉपी में क्या कुछ लिखा है कि रोहित तो देख के मुझे सहम गया और कॉपी को अपने से चिपका लिया। जब उन्होंने उस कॉपी को देखा तो फर्स्ट पृष्ठ पे ही उसकी आंखें अड़ गई। उन्होंने देखा तो उसके बेटे ने क्या लिखा था कि माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो वे अपनी संतान के किसी काम नहीं आते, क्योंकि वो अपने घर में देख रहा था कि उसकी दादी बूढ़ी हो गई है, तो फिर वो उसको कोई काम के कोई फैमिली मेंबर उनको मानता ही नहीं है, कोई उनका रिस्पेक्ट करता ही नहीं है। संतान अपने बूढ़े माता पिता के से बुरा व्यवहार करते हैं। मेरे माता पिता का मेरी दादी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है, मुझे बहुत दुख है कि मैं अपनी दादी के लिए कुछ नहीं कर सकता। वो सब समझता था, सब देखता था, लेकिन इस बात का उसे हमेशा दुख रहता था कि मैं अपनी दादी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब अपने माता पिता को पूरा सम्मान दूंगा। देखो बच्चा कितना अच्छा था, उसने ये नहीं लिखा था कि मैं अपने पापा के साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसे वो दादी के साथ करते हैं। उसने लिखा था कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं अपने मम्मी पापा को बहुत सम्मान दूंगा। रोहित की यह सब पढ़कर उसके माता पिता की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। जब उन्होंने उसे अब पढ़ा, अपने बेटे के भावना को समझा, तो उनकी आंखों से पछतावे के आंसू निकलने लगे। उन्होंने प्यार से थपकी देकर रोहित को सुला दिया, और सुबह जब रोहित की आंख खुलती है तो क्या देखता है कि रोहित के माता पिता दादी के कमरे में जाकर दादी से क्षमा मांग रहे हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया
और अपने किए के लिए वो दादी से क्षमा मांगने। जब वो ये सब देखा और वो फिर अपने वापस अपने कमरे में जाने लगा तो उसके पिता ने उसे देख लिया और उसे बड़े प्यार से पुकारा, अरे दादी का रेडियो। वो जब ये आवाज़ सुनी तो वो भाग कर आया और अपने दादी के गले से लिपट गया। है ना, ये कहानी बहुत अच्छी है। हमें हमेशा अपने बड़े बुजुर्ग के कहना मानना चाहिए, क्योंकि वो शारीरिक रूप से असमर्थ होते हैं, वो चल फिर ज़्यादा नहीं सकते हैं, वो हमारे जैसे आपके जैसे ताकतवर नहीं होते हैं, इसीलिए उनका विशेष केयर करना चाहिए, उनका स्पेशल केयर करना चाहिए। अब हम शब्दार्थ देखते हैं। दशा मीन्स हालत, भाप लेना, अनुमान होना, सहम गया, डर गया, संतान मीन्स औलाद। अब प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, रोहित को सब दादी का रेडियो क्यों कहते हैं? तो रोहित दादी को रेडियो और टेलीविज़न की खबरें सुनाता था, इसलिए सब उसके दादी की रेडियो कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, रोहित दादी को कौन सी खबरें सुनाता था? तो रोहित दादी को स्कूल, मोहल्ले, रेडियो और टेलीविज़न की खबरें सुनाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, दादी को किस बात का बहुत दुख हुआ? तो रोहित के कम अंक आने के लिए दादी को दोषी ठहराया गया, तो दादी को इस बात का बहुत दुख हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, रोहित को अपने पिता का व्यवहार दादी के प्रति क्यों ठीक नहीं लगा? रोहित जानता था कि उसके कम अंकों के लिए दादी दोषी नहीं है, फिर भी उसके पिता ने दादी को खरी खोटी सुनाई, इसलिए रोहित को उसके पिता का व्यवहार ठीक नहीं लगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब अपने माता पिता को पूरा सम्मान दूंगा, रोहित ने अपनी कॉपी में ऐसा क्यों लिखा? रोहित के माता पिता दादी को सम्मान नहीं देते थे, उनका कहना नहीं मानते थे, इसलिए रोहित ने अपनी कॉपी में ऐसे लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित के लिखे इन शब्दों ने उसके माता पिता के ऊपर क्या प्रभाव डाला? इसका आंसर है, रोहित के लिखे इन शब्दों से उसके माता पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने दादी से माफ़ी मांगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं रोहित पिता और दादी के लिए, आप उनमें से किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहेंगे और क्यों? तो पहला शब्द है दादी, दादी के लिए होगा शांत और ममतामय, कारण तो किसी से कुछ भी नहीं कहती थी। इसी तरह दूसरा शब्द है पिता, तो पिता के लिए होगा क्रोधी, कारण होगा क्योंकि वह रोहित के कम आने पर दादी पर क्रोधित हुए थे। और तीसरा शब्द है रोहित, तो रोहित भावुक, होशियार, समझदार और दयालु था, कारण वह दादी के चेहरे को देखकर ही समझ जाता था कि दादी दुखी है। बातचीत के लिए का पहला क्वेश्चन है, दादी अपना दुख किसी को नहीं बताती थी क्यों? तो दादी अपना दुख किसी को नहीं बताती थी क्योंकि घर में कोई दादी की बात सुनता नहीं था। आप अपना दुख किसे बताते हैं और क्यों? तो आंसर होगा, मैं अपना दुख अपनी मम्मी को बताता हूँ। क्यों? तो समस्या के समाधान के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, माता पिता ने दादी से माफ़ी क्यों मांगी? इसका आंसर होगा, अपनी गलती के एहसास होने पर माता पिता ने दादी से माफ़ी मांगी। अब भाषा की बात, शब्दों को उनके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलाना है। तो पृष्ठ, पन्ना, प्यार, प्रेम, सम्मान, इज्जत, प्रकाश, रोशनी। नेक्स्ट प्रश्न है, सही शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। इसमें पहला है, सब रोहित को दादी का रेडियो कहते हैं। नेक्स्ट है, रोहित को अपने माता पिता का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। और थर्ड है, माता पिता ने थपकी दे रोहित को सुला दिया। अब जीवन मूल्य, घर के बड़े बुजुर्ग हमारे परिवार का हिस्सा है, हमें उनका आदर सम्मान करना चाहिए। आप दादा दादी, नाना नानी का सम्मान किस प्रकार करते हैं, बताइए। इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि मैं अपने दादा दादी, नाना नानी का सम्मान उनका कहना मानकर तथा उनके छोटे छोटे कामों में हाथ बटाकर करता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, आप अपने माता पिता से किस प्रकार का व्यवहार करते हैं? तो इसका आंसर होगा कि मैं अपने माता पिता से बहुत ही सम्मान का व्यवहार करता हूँ।